नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले सतना से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आया और यहां पर सीवर लाइन की मिट्टी धस गई और यहां पर सीवर लाइन के पॉइंट को जोड़ने का जो मजदूर काम कर रहा था वो भी इसकी चपेट में आ गया है। मिट्टी में मजदूर दबा हुआ है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि शाम को 5:05 पर यह हादसा पेश आया था और अभी भी मजदूर को नहीं निकाला जा सका है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि किस प्रकार का ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतनी धीमी गति से चल रहा है। हालांकि स्वाभाविक है कि एक जान का सवाल है, एक जान अंदर फंसी हुई है। और जो जानकारी लास्ट अपडेट जो आया था, आखिरी अपडेट जो मिला था, उसमें मजदूर से बातचीत भी हो पा रही थी और वो दिखाई भी दे रहा था। अब उसको निकालने के लिए समानांतर तरीके से गड्ढा जो है उसे खोदने का काम शुरू किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। और आपको बता दें कि सांसद गणेश सिंह जो हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और सतना के मारुति नगर में यह हादसा पेश आया। अभी यहां पर रेस्क्यू के लिए अभियान चलाया जा रहा है और लगातार मजदूर को निकालने की कोशिश की जा रही है। 5:05 पर यह हादसा पेश आया था और आप समझ लीजिए कि कितना वक्त अब बीत चुका है। और करीब 5.5 घंटे का वक्त हो जाने के बावजूद भी अभी मजदूर को बाहर नहीं निकाला जा सका है। क्या मजदूर की हालत है, क्या उससे बात हो पा रही है? शिवेंद्र बघेल हमारे संवाददाता मौके पर ही मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, सीधा उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? सांसद भी पहुंचे हैं, मजदूर के जो पहले अधिकारी की बाइट हमने सुनी थी उन्होंने कहा था कि मजदूर नजर आ रहा है, उससे बात हो पा रही है, क्या मजदूर ठीक है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मजदूर कहां पे दबा हुआ है, कितनी फीट में है, ये तक जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। और लोगों का कहना ये जरूर था कि शुरू में मजदूर ने आवाज लगाई है, लेकिन अब मजदूर को किसी तरह से कोई हरकत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर से मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ है। अब रेस्क्यू जो चल रहा है, लगभग 5 घंटे हो गए हैं, एक समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। और समस्या ये आ रही है कि जो मिट्टी है वो काफी गीली हो चुकी है, तो ऐसे में रेस्क्यू टीम भी बड़ी शालीनता से और बड़े सूझबूझ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। और अभी तक सुरक्षित मजदूर को नहीं निकाला जा सकता है, लगभग 1 से 1.5 घंटे और लग सकते हैं, क्योंकि अब जो गड्ढा खोला जाएगा उसके नीचे ज्यादा खुदाई होगी और इसके बाद एक समानांतर और गड्ढे खोद करके मजदूर तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक मजदूर किस हालत में है, वो कोई हरकत कर रहा है, इस तरह की कोई जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। ये बड़ी चिंता की बात है, ये बड़ी चिंता की बात है कि मजदूर की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बहरहाल आप इस मौके पर मौजूद हैं, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपके पास दोबारा जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए शिवेंद्र। और इधर रायपुर में पति ने पत्नी की गर्दन काट दी, पत्नी की गला काटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और थाने पहुंचकर हत्या का जुर्म भी कबूल कर लिया है। भनपुरी के रामेश्वर नगर की यह घटना बताई जा रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से गला काटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और बाद में थाने जाकर सरेंडर भी कर दिया है। क्या वजह रही अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन भनपुरी के रामेश्वर नगर में ये एक बेहद सनसनीखेज वारदात राजधानी रायपुर में सामने आई, जहां पर पति ने पत्नी की गर्दन काट दी, गला काटकर हत्या की और उसके बाद थाने पहुंचकर हत्या का जुर्म कबूल कर लिया, सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से खबर है, जहां पर धान खरीदी केंद्र पर भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। धान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, जिससे कि धान बेचने आने वाले किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एसडीएम निरीक्षण करने पहुंचे और इस अव्यवस्था के लिए धान खरीदी केंद्र के प्रभारी को फटकार लगाते हुए नोटिस भी जारी किया गया। बीजापुर में एसडीएम और खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 80 क्विंटल अवैध धान पकड़ा है। दबिश देते हुए टीम ने नेमेड लैंपस में 200 बोरी अवैध धान को जब्त किया। आपको बता दें कि व्यापारी के द्वारा धान को नेमेड के किसान के नाम से अवैध तरीके से बेचने की तैयारी चल रही थी, आगे मंडी एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। के तहत 5 गुना फाइन होता है, 5 गुना फाइन किया जाएगा 31 जनवरी के बाद। सर किसका था?
ये महेंद्र उप्पल जी, स्वर्गीय मुतैया उप्पल, फरसेगढ़। फरसेगढ़ से कहाँ ला रहे थे? फरसेगढ़ से नेमेड लाए थे। अंबिकापुर से खबर है जहां का मेडिकल कॉलेज अस्पताल ट्रॉमा सेंटर की कमी से जूझ रहा है। यहां पर ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग तो बना दी गई लेकिन मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। लोगों ने जल्द से जल्द ट्रॉमा सेंटर में सुविधाएं देने की मांग की है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जल्द सुविधाएं देने की भरोसा दिया है। भारत सरकार ने हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन तो शुरू किया है लेकिन धमतरी जिले में पानी के स्रोत के संकट की वजह से यह मिशन अटका हुआ है। जिले के 185 गांवों में जल स्रोत का संकट है। अगर इस चुनौती का हल नहीं निकाला गया तो आने वाले गर्मी के मौसम में 185 गांवों को जल संकट का सामना भी करना पड़ जाएगा। होते पानी पर बहुत दूर जा लागते हो, सब महिला मन से झगड़ा झांसी हो जाते पानी के कारण, काम नहीं हो ओकर कारण पानी के कारण। अब वो पानी लाही तब उतना बेलत खेत जाए बर हो जाते, तो काम में जान नहीं पाए पानी के कारण। बागोदार की स्थिति में पीएचई के द्वारा बताया गया कि पाइपलाइन वगैरह की व्यवस्था हो गई है, वहाँ सोर्स की दिक्कत है। तो सोर्स के लिए हम गवर्नमेंट से बात करेंगे कि ट्यूबवेल के लिए हमको अतिरिक्त